बुरा तो बोल, लकड़ी की काठी काठी। नहीं अंकल, मेरे को आते वक्त भूख लग रही थी ना, मैं काठी उखाड़ के रोल करके खा गई काठी रोल। एक मिनट। हेलो, हाँ जी सकू दादा नमस्ते। नहीं नहीं, मैं भिड़ू नहीं, भिड़ी बोल रही हूँ। हाँ जी सकू, एक मिनट सकू दादा, होल्ड करना जरा अंकल जी। सकू दादा आपके पापा हैं? हाँ? वो कैसे हो सकते हैं, वो तो दादा हैं, पापा कैसे बन गए? लेकिन ना टाइगर भैया, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं। आप एक सत से कूद के दूसरी सत पे, दूसरी सत से कूद के तीसरी सत पे, क्यों करते हैं ऐसे काम? सीधा आप रिक्शा क्यों नहीं ले लेते, ऐसे चोट लग जाएगी। वैसे ना आप जितने बहादुर हैं ना, मेरे दादाजी भी उतने ही बहादुर हैं। आपने फ्लाइंग जट में जो ये सतों से उड़े ना, उन्होंने आपको देख के दसवें माले से छलांग लगा ली। आपको नहीं पता अंकल कि दसवें माले से छलांग लाओ फिर नहीं फुर हो जाता है। यहाँ क्या करने आए आप? मेरी ना मैडम ने कहा है कि तू ना लोगों को बीच में उठा बैठा कर, होमवर्क जल्दी जल्दी हो जाएगा। टाइगर भैया, निधि दीदी, मैं आपके बीच में बैठ जाऊं? तो वो कहाँ बैठेंगे बेटा? अंकल आप सीधी मुझे मोटी कह लो, ऐसे घुमा फिरा के बातें मत किया करो। हेलो दीदी, दीदी मैं आपको थोड़ा सा टच कर लूं? कर लो। पता नहीं चला अच्छी तरह से। ओता दीदी। वाह दीदी, आप तो एकदम पूरा नट्स वाली चॉकलेट हो। वाकई अब हम कह सकते हैं चॉकलेटी हीरोइन लॉन्च हो रही है। होमवर्क करने आई, शुरू क्यों नहीं कर रही? कर रही हूँ अंकल, मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। मैंने कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके आप जवाब दे दोगे जी। एक सवाल ऐसा है जिसमें आपको बताना है सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है? ओके, राम पानी पिएगा, इसमें राम क्या है? सब्जेक्ट। राम प्यासा है अंकल। अच्छा अब यह बताओ कि पानी क्या है? पानी ऑब्जेक्ट है। पानी गर्म है, तभी तो कहा पिएगा, वरना पी गया होता। चलिए दूसरा सवाल टाइगर भैया आपसे, ऐसा कौन सा अंडा है जिसको जितना मर्जी डंडे मार लो वो फूटेगा नहीं? पता नहीं। सो स्वीट यार, आप बताओ दीदी, आपको तो पहला वाला भी नहीं आया था। मैं बताऊं? आप बताना। पेन से बनाया हुआ पेपर पे। चलिए अब मैं आपसे हिंदी का सवाल पूछती हूँ कि बादशाह अकबर भारत कैसे आए थे? ये तो हिस्ट्री का सवाल है। लेकिन लिखा तो हिंदी में हुआ ना। बताइए कैसे आए थे, बिजनेस क्लास या इकोनॉमी में बैठ के? अरे वो जहाज से बैठ के थोड़ी आए थे, घोड़े बैठ के आए थे। हाँ तो घोड़ा उन्होंने हैंड कैरी किया था या लगेज में था? घोड़ा कैसे फ्लाइट में आएगा? बताओ ना। दिल्ली क्यों इरिटेट कर रही हो? इरिटेट हो रहे हो? मैंने कल ही किताब में पढ़ा था, हाउ टू इरिटेट समवन इन 2 मिनट्स। मैंने आपको कर दिया। अच्छा निधि दीदी आपसे सवाल, मुझे यह बताओ कि टाइगर भैया बॉम्बे में कहाँ रहते हैं? बांद्रा कार्टर रोड। थैंक यू दीदी, मैंने यही पूछना था, मैं सीधा घर आ जाया करूंगी अभी। चलिए अब जो सवाल है वो होगा इंग्लिश में और वो कप्पू अंकल बताएंगे। हो किसने का? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हो ही है। इंग्लिश के नाम पे उनका खुद हो निकल गया। बताइए अंकल इंग्लिश में। तुम्हें क्यों लगता है मुझे इंग्लिश नहीं आती? नहीं नहीं आती है अंकल, लेकिन कभी कभी जैसे छीक डकार जबकि, ऐसे आपको भी आती है। अच्छा मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइगर भैया आप क्यों घबराए, आपसे थोड़ी पूछा है, रिलैक्स बेबी। बताइए। मुझे नहीं पता, तू बता। देखा मुझे पता था, मैं बता देती हूँ, डांसर इज सनी देओल बट ब्लेम ऑन डांस डायरेक्टर। अच्छा एक और चीज, ऐसा कौन सा कोट है ना जो लेडीज पहन सकती है ना ही जेंट्स? कौन सा? उनको तो डराया ही नहीं। आप बताइए अंकल जी। हाई कोर्ट।
नहीं अंकल, पठानकोट। काफी इंटेलिजेंट हूँ मैं। वाह वाह वाह। कैसे संभालते होंगे तेरे टीचर तुझे? एक्चुअली ना अंकल, मुझे पिछले कई दिनों से ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ना बर्ड फ्लू हो रहा है। बेटे बर्ड फ्लू बर्ड्स को होता है। हाँ तो पिछले कई महीनों से टीचर मुझे मुर्गा बना रही है। इसका मतलब तू पढ़ती नहीं होगी ना? मैं बहुत पढ़ती हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे सारे सवालों के जवाब आते हैं, लेकिन ना मैं खुद ही नहीं पेपर पे लिखती। पता क्या है दीदी, जो बच्चा घर से सोच के आया होगा कि मुझे फर्स्ट आना है, अगर मैं फर्स्ट आ गई तो उस बच्चे के दिल पे क्या बीतेगी। सही बात है, सही बात है। साइंस का क्वेश्चन पूछूं तुझसे? अरे पूछो पूछो। पानी में रहने वाले कोई पांच जीवों के नाम बताओ। मछली, मछली के पापा, उनकी मम्मा, उनका भाई और उनकी बुआ। बुआ की शादी नहीं हुई ना, तो वो भी साथ में ही रहती है। बस अंकल, और कोई सवाल जवाब है? बहुत प्यारी बच्ची है। नाइस। मैं वाकई बहुत प्यारी बच्ची हूँ। सिद्धू अंकल, हाँ जी, आप मुझे अपनी बेटी बना लो, मम्मी की मैं बात कर लूंगी। अंदर से तो लुटियां पड़ गई बाजी। इंग्लिश में कितने नंबर आए तुम्हारे? लोगों से सवाल पूछ। एक मिनट कप्पू अंकल, जवान लड़कियों से उनकी उम्र और बच्चों से उनके मार्क्स कभी नहीं पूछते, समझा काफिया? कितने मार्क्स आए तेरे बता? किसमें? एग्जाम की तैयारी की तेरे? मैंने एग्जाम की नहीं, मैंने रिजल्ट की पूरी तैयारी कर ली है। क्या मतलब? मैंने रिजल्ट की पता क्या क्या तैयारी की है? पापा की बेल्ट छुपा दी, उनकी लेदर चप्पलें, मम्मी का झाड़ू, बेलन। मेरे पापा ना समझ ही नहीं आती। टाइगर भैया मुझे कहते तूने पिछले साल फेल करवा के मेरी नाक कटवा दी। मैंने तुरंत शीशा उनके सामने किया, मैं कहा डैडी जी अगर नाक कटवाई होती ना तो चश्मा अब गिर गया होता। नहीं नहीं क्या हुआ, मैं तो छोटा बच्चा हूँ ना, तो बीच बीच में चॉकलेट खाने का मन कर पड़ता है। दल्ली, मेरा प्यारा बच्चा है, छोटा वाटर कूलर, मेरी बात सुन। न्यूटन के लॉ के बारे में पता है कुछ? बताओ। न्यूटन के लॉ के बारे में अंकल पूरा तो नहीं पता, लेकिन मेरे को लास्ट लाइन आती है। क्या? इसीलिए उसको न्यूटन का लॉ कहते हैं। अब मैं समझ गया तू हर बार फेल क्यों होती है। अंकल हर बार फेल नहीं होती, मैं क्या बताऊं यार, पिछले बार फेल होते होते मतलब बचने वाली थी लेकिन फेल हो गई, क्योंकि मेरे 90 मार्क्स आए थे ना, 10 और मिल जाते ना पास हो जाती। क्या बात कर रही है, 90% आए तो फेल, तो 33% में पास हो जाता है। नहीं अंकल, हम तीनों फ्रेंड्स के मिला के 90 आए थे ना, 10 और मिल जाते तो 33 हो जाते। अच्छी बात थी ना, तो मुंह मीठा करना चाहिए। दीदी मैंने इतनी पप्पियां दी, मजाल है कि आपने रिटर्न गिफ्ट दिया, आप भी कर दो। हाँ जी। इंटरव्यू कोई ले रहा, पप्पियां कोई ले जा रहा है। और सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, मैं ना बहुत परेशान हूँ। आपको पता है मेरा ना कल एनुअल फंक्शन है, टीचर ने एक गाना दे दिया, उसमें मेरे से डांस ही नहीं हो रहा, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? चलो कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं करनी पड़ेगी ना। आ जाइए अंकल जी, अंकल आप मेरा बैग पकड़ेंगे? चलिए म्यूजिक। हाँ जी भाग जा।
होमवर्क कर जाके अपना। एक मिनट, आती हूँ। वही पहली जहाँ पे उन्होंने ली। हाय हाय हाय, आया रब्बा, मैं ते पास हो गई। कोई बात नहीं अंकल, मैंने भी तो बड़े होना है, मैंने भी तो हीरोइन बनना अंकल। कभी आप मोटी लड़कियों को भी सोच के फिल्म बनाइएगा। हाँ मम्मा। हाँ हाँ बैठे हुए हैं। हाँ लेके आ जाती हूँ। हेलो लल्ली, क्या कर रही हैं आप यहाँ? मैं ना आप दोनों को लेने आई हूँ, मेरी मम्मा ने बुलाया आपको। क्यों क्यों? मैं खुद ही बैठ गई, कहा ही नहीं किसी ने। बंदों की फिल्म हिट हो जाए ना तो एटीट्यूड आ जाता है। हाँ जी, मेरी मम्मा ने आपको इसलिए बुलाया है क्यों, आज हमारे घर में ना पूजा है अंकल जी, तो मम्मा कह रहे थे थोड़ा सा कपूर लेकर आना। इधर तो दो दो कपूर है, आज तो भैया हवन होगा, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। मैं मजाक कर रही थी, तो बनी ना मी। दली स्कूल नहीं गई तू आज? हाँ तो सिद्धू जी कहाँ गए हैं? अरे वो तो बड़े हो गए ना। वाह जी वाह, आज बड़े हो गए, पढ़ लिख कर चार पैसे आ गए, नाम हो गया तो स्कूल नहीं जाओगे? कोई बात नहीं, पढ़ो के स्कूल चले जाओ अंकल। ठीक है। बड़े बच्चों को तो स्कूल रोज जाना चाहिए, वो थोड़ी ना जाएंगे। अच्छा रोज रोज जाए, कभी स्कूल नहीं आ सकता हमारे पास? इतना बड़ा स्कूल तुम्हारे घर कैसे आएगा? क्यों इतना बड़ा शो अगर घर घर आ सकता तो स्कूल नहीं आ सकता? वैसे ना मैंने एक दरख्वास्त करनी है सोनी अंकल, आप कहीं भी मेरे को सुन रहे हो तो प्लीज मेरे लिए एक स्कूल बना दो, ताकि अगर मैं कभी स्कूल ना जा सकूं तो अगले दिन रिपीट टेलीकास्ट देख के पढ़ लिया करूं। धन्यवाद। चलो बेटा अभी आप जाओ, यहाँ इंटरव्यू चल रहा है। ठीक है, इंटरव्यू चल रहा है। हाँ। मैं तो कहती कस के पकड़ लो, भागी ना जाए। अनिल अंकल, कुछ पलों के लिए आप, कुछ क्षणों के लिए मेरे पिताश्री बनेंगे, मुझे पेरेंट्स मीटिंग पे लेके जाना है। क्या लगता है कपिल साहब, इनको क्यों लेके जाना है? मतलब मेरे डैडी बहुत नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव बातें, तूने ब्रश नहीं किया, तेरे जुए पड़ गई, तू नहाई नहीं, तूने ये कर दिया, तूने होमवर्क नहीं किया, हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हैं। चलो ठीक है, मैंने होमवर्क नहीं किया तो डांटा, लेकिन अगर मैंने राहुल को कंपस मार दी, इतना डांटा ना, कहते क्यों मारी उसको, मैंने बोला अगर मारनी नहीं होती तो तीखी क्यों बनाई। अंकल प्लीज चलिए ना। अरे ये अभी तक अपने बच्चों के पेरेंट्स नहीं बन के गए स्कूल, आपके पेरेंट्स कैसे बन के जाएंगे? तो जाएंगे अंकल, बनिए ना, मैं क्या सोनम से कम हूँ, ज्यादा ही हूँ ना। बेटे दूसरों के पापा को नहीं लेके जाते, अपने पापा को लेके जाते हैं। मैं क्यों अपने पापा लेके जाऊं? पेपरों में सवाल तो दूसरों के पापा के आते हैं कि अकबर के पापा का नाम क्या था, सलीम के पापा का नाम क्या था, हुमायूं के पापा का नाम क्या था। अभी पेरेंट्स मीटिंग में बुलाओ हुमायूं के पापा को फिर। बेटे वो जनरल नॉलेज के लिए पूछते हैं, ऐसे जनरल नॉलेज? हाँ। टीचरों को कोई जनरल नॉलेज नहीं होती भैया जी, मुझे कहती है कि इंग्लिश में कुर्सी को क्या कहते हैं, आंब को क्या कहते हैं, संतरे को क्या। मैंने बोला कि अगर टीचर जी ये सारी बातें मुझे पता होती तो मैं टीचर ना बन जाती। यही सब बातें करती है ना, पढ़ती नहीं है तभी फेल होती है। नहीं फेल मैं कभी अपनी वजह से नहीं हुई अनिल अंकल, टीचर की वजह से हुई हूँ। एक्चुअली मैं ना पेपरों पे लिख देती थी, हिंदी वाली मैडम काल खोल के सुन ले, तेरा चक्कर पंजाबी वाले टीचर के साथ चल रहा है, मैं बता दूंगी, वो मुझे पास कर देती थी। फिर मैं लिख देती थी, मैथ वाले टीचर तू भी काल खोल के सुन ले, तेरा चक्कर इंग्लिश वाली के साथ, वो भी पास कर देता था। मैं फेल हो जाती थी अंकल साइंस में, क्योंकि साइंस वाली टीचर शरीफ थी, उसका किसी के साथ नहीं चल रहा था।
अंकल प्लीज चलिए ना, सामने क्या देखी जा रहे हो, तो मान नहीं रहे आप। बेटे तो मुझे अंकल बोल रहे। हाँ जी। मैं नहीं, मैं आपको देख रही थी, मैं कह उनको रही थी। वैसे तो इतने छोटे हैं कि मेरा दिल करता गुड्डू कहूँ उनको। अभी चल, अभी चल। अभी गुड्डू बोला, अभी मैं जा सकता हूँ। अनिल अंकल, अनिल अंकल, अनिल का मैं सुन ही नहीं रहा था। मैं ले जाऊँ, ये मेरे पापा लगते है। नहीं, वो छोटे लगते हैं, और छोटे लगते हैं। अच्छा, वो पापा नहीं लगते है? ना। तो चाचा कहाँ से लगते हैं, या चाचा चाचा कहते रहते हैं? अरे वो मुझे चाचा कहते हैं। अंकल ऐसे डराओ ना, मैं वॉमिट आ जाती हूँ। चलिए भैया आप चलिए, मैं बोलता हूँ कि पापा आज बिजी है, आज भैया आए हैं। क्यों लली, ये भी बहुत छोटे हैं, तुम्हारे पापा नहीं लगेंगे। लियाना दीदी, आप मुझे लगा के चलोगी? इंटरनेशनल पापा। फिर मैं क्या करूं, कौन मेरे पापा बनेंगे? सिद्धू पाजी को ले जाओ। तब पाजी, वाह, आप चाहते हो मैं फेल हो जाऊं? क्यों? क्योंकि सिद्धू पाजी इतने टैलेंटेड है। एक बार ये मेरी पंजाबी वाली टीचर के साथ गए थे, कहते बच्ची पास क्यों नहीं करती, वाह उनके मुंह पे ठूक डाल दिया, उन्होंने फेल कर दिया। तो मतलब कि आप दोनों नहीं जाएंगे? नहीं, मैंने तो कहा मैं चलता हूँ, अगर आपने मुझे कहा ना, मैं तो चलने को रेडी हूँ। मैं कह दूंगी गुड्डू पापा हैं। गुड्डू पापा हैं, ठीक है। आप मतलब जाएंगे नहीं, आप जो अपनी मुझ का बाल खींच रहे हैं, मुझे दिख रहा है इधर से। आप नहीं जाएंगे ना? नहीं। तो फिर मैं यार ले लूंगा यार। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए लेट जा नीचे। नहीं, मैं चलता हूँ। पक्का? पक्का। अंकल, हाँ, एक बात पता चल गई है। क्या? आपको हमेशा हाफ गर्लफ्रेंड क्यों मिलती है? क्यों, मुझे भी बता। क्योंकि फुल तो उधर रहती है गुड्डू के पास। वैसे ना अर्जुन भैया, अर्जुन भैया, आपने कभी स्कूल के बाहर इमली के गोले खाए? नहीं। आए तो सब होंगे। अच्छा तो ठीक है, आप दोनों मान गए हो मेरे पापा बनने के लिए। दो पापा कैसे होंगे? हो जाते हैं, तीन तीन भी होते, लोग बताते नहीं है। तो अंकल आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इसका कहने का मतलब मैं जाऊं। अंकल मैं भी साथी हूँ, कि कभी इनकी जगह मैं बैठी हूँ, आप कहे प्लीज वेलकम द सुपरस्टार लल्ली, और फिर मैं ऐसे आऊं, मैं ऐसे करूं, दीदी हटना जरा, फिर मैं ऐसे बैठ जाऊं, मैं आपको एटीट्यूड दिखाऊं, आप मुझे सवाल पूछो, मैं लाइटें देखी जाऊं, मैं जवाब ही ना दूं, मतलब ऐसे करूं। हां जी, हां सही है, फॉर्म क्यों दिल्ली, तू मेरे को इंटरव्यू क्यों नहीं लेने दे रही? अंकल आप सबका इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन किसी को नौकरी नहीं दी, इंटरव्यू लेते रहते। तो अंकल जी आप मेरे पापा बनने को तैयार हो? अंकल जी कौन है? अरे यार तुम इधर आओ, इधर आओ। दल्ली, हाँ जी, स्टार बनना चाहती नहीं लाना की तरह? हाँ जी। तो मन लगा के पढ़ा कर। एक मिनट, आज पता चला। हेलो डैडी, कहाँ पहुँचे? लोखंडवाला। हाँ, वहाँ से फिल्मों की दुकान से ना एक आमिर खान अंकल की मन लेकर आना। ये कहते मन लगा कर पढ़ा करो, दिल से पढ़ा करो, दिल से। शाहरुख खान अंकल की दिल से भी ले आओ, वो भी लगानी पड़ती है। हाँ अंकल, आप कंफ्यूज करी जा रहे हो, कभी शाहरुख खान अंकल, कभी आमिर खान अंकल, जो गेस्ट आए उनकी फिल्म मुबारक लगा के पढ़ना चाहिए, है ना? और बाजी की हाल डाटा। चलिए आप सबसे पहले करो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। कहाँ बच्चे की बातों पर टाइम वेस्ट कर रहे हो यार? बाय अंकल, मैं बोल कर आती हूँ टीचर को कि मेरे पापा आ रहे हैं। हेलो टीचर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.